हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहा है विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर महूगंज थाना के छिवरिया से हबे, जहां वो समय सनसनी पसरी गए जब खेते में संदिग्ध हालत में ही एक युवती के शव मिला। वहां युवती के शव के लगे एक चिट्ठी मिली हबे, जौने से यह मामला प्रेम प्रसंगों के माना जाला हबे। वहां सबके चिन्हारी खटखरी के 20 साल के रहे वाली काजल जायसवाल के तौर में भई हिबे, जेकर हिराए के रिपोर्ट घलाए दर्ज कराई गई रही। वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए के बाद है मौत के असली कारण पता चल सकी। जिला माही जब से सूत्र सेवा बस चली हबे, तब से बस के विरोध शुरू हो गया हबे। अपना को बता दी कि ऐसा एक मामला रविवार का ही तरकीपुन के समूह आबा, जहां दोनों पक्ष में विवाद के स्थिति बन गए। वहां दोनों पक्ष थाना में जाए के अपन शिकायत दर्ज करवाई नहीं बे। अपनो सुनी निजी बस संचालक और डीएसपी मनोज शर्मा सलगे मामला में का कहें। चाहे हम हो या फिर जितने भी संचालन में हैं, वो कटनी मैहर या सतना रीवा सिरमौर बैकुंठपुर जितना भी जहाँ जहाँ भी रूट संचालन है पुराने स्टैंड से, उनको सबको पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा बोला गया था कि विगत 15 दिन के लिए हम आपको अस्थायी रूप से रेलवे स्टेशन में आपको एक ब्रिज के नीचे व्यवस्था बना रहे हैं, जो वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर होती है, जिसमें कोई जनसुविधा को देख के व्यवस्था नहीं बनाई गई, ना तो वहाँ लैट्रिन बाथरूम ना पानी। दुनिया भर से लोग आते हैं, यातायात की व्यवस्था है, उसका कोई देख रेख नहीं किया। बस संचालकों के बीच अभी कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया, क्या वजह थी, क्या चाहिए सामने? नहीं नहीं, हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है। ये सवारियों को भरने के वजह से आपस में कन्फ्लिक्ट होता रहता है इस तरह का रेगुलर, वही विवाद था पुल के नीचे सवारियां भरने को लेके। ट्रांसपोर्टर्स आपस में विवाद कर रहे थे, तो उन्हीं को लाके बातचीत की, उनसे उनके विवाद को सुलटाया। आरटीओ के रिटायर अधिकारी वीरेंद्र सिंह 63 साल की उम्र में ही 17 मई का परम पद का सिधारी गए। बतावा जाता है कि अधिकारी बहुत निकाह रहे, जिनकर अंतिम विदाई देव कोठार माही दीन गए। वहीं श्रद्धांजलि दे खातिर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम घलाए पहुंचे और शोका कुल परिवार के ढाढ़स बधाई नहीं बै। आपन विंद माही कैंसर के मरीज अब बढ़ते जा रहे, हमा पे यहाँ कैंसर के इलाज खातिर सुविधा उतनी नहीं आए जितनी की हो चाहिए। भोपाल और बम्बई के तर्ज माही कैंसर के अस्पताल बनवावे खातिर मांग कई एक दर की उठी रही, पर एकर कोनो खास असर नहीं भा। वहीं संजय गांधी अस्पताल माही अब कैंसर विभाग संचालित हबे, एके पहले ए विभाग का पीपी मोड माही चलावा जात रहा। वहीं अब संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन खुद है विभाग का अपनी देखरेख में चलाए रहे हबे। पिछले एक वर्ष के दौरान आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 3300 कुछ मरीज हमारे पास आए हैं साल भर में कैंसर के रोगी, और जो औसत 12 से 15 मरीज ये प्रतिदिन का निकलता है। तो पिछले एक वर्ष, इसके पूर्व में हमारे यहाँ कैंसर विभाग जो है वो आउटसोर्स किया हुआ था, और अभी पिछले एक वर्ष से संस्था ने अपने ही चिकित्सकों के माध्यम से उसे चलाना शुरू किया है, और अब सुविधाएं और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आ गए हैं, बढ़ गई हैं। रेडियोथेरेपी की मशीन भी सिखाई चालू हो गई है कैंसर की, तो इसलिए जैसे ये संभाग का आपको जानकारी है, इकलौता महाविद्यालय है चिकित्सा जो कैंसर के मरीजों को इलाज करता है, तो इसलिए इस वजह से सारे कैंसर के रोगी इसी तरफ आते हैं पता लगने के कारण। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का सेवन, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू, इसका चलन बहुत ज़्यादा है। कई बार समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते हैं, समझ में नहीं आता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सामान्य जो ये कैंसर देखते हैं हम, ये देखते हैं। कुछ थोड़ा जागरूकता भी बढ़ी है तो लोग पहले ही लक्षण आने पर दिखा लेते हैं, तो महिलाओं के जो कैंसर हैं वो बहुत से हम लोगों के सामने जो कॉमन कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं इनके, तो इस वजह से ये संख्या जो है जागरूकता के कारण भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कोरोना काल के बाद पहल बेर इस साल रीवा से हज यात्रा में जाए वाले यात्रियों खातिर ट्रेनिंग दीन गए। रविवार का लगन मैरिज हाल माही वही दुनिसा मेमोरियल ट्रस्ट ट्रेनिंग दीन, जोने माही ट्रेनर और जानकार हाजी हज के समय पेश आवे वाली अरकान और होए वाली दिक्कत से बचे के जानकारी दीन। अपना को बताई दी कि दरकी रीमा से 30 यात्री हज खातिर जई ही, जोने माही महिला पुरुष दोनों शामिल हमा। आई अपनो जानी सलगी ट्रेनिंग और कौन मेर के जानकारी दीन जा लाही बे करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने हज के तमाम अहकाम العالمین نے اس دنیا میں بسنے والوں کی گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام جیسے عظیم نام अब ये रीवा जिले से 30 हज यात्री इस बार कोरोना काल के बाद जा रहे हैं, तो ये सही माने में इस साल जो है वो उन्होंने 70+ को भी अलाउ कर दिया था,
लेकिन 15 जाने के पहले अभी से 15 दिन पहले उन्होंने फिर वो रोक दिया। अब 65 साल 30 मई को जो 30 अप्रैल को जो 65 साल से ऊपर थे उनको मना कर दिया, वो नहीं जाएंगे। तो हमारे 51 में से करीब 23 लोग कट गए। तो अभी इस बार रीवा जिले से 30 लोग जो है जो 65 साल से कम उम्र के हैं वो हज में जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखत रही अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।